जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडी क्षेत्र में आज सुबह से ही लोगों ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया था, जिसकी वजह कोरोना वायरस के डर से लोग दहशत में है। आओ सब मिलकर भारत सरकार से अपील करें कि संभव हो सके तो भारत सरकार हर सरकारी अस्पताल में कोरोना की जाँच की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आजकल मौसम परिवर्तन का समय है जिस कारण अधिकतर लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत होती है और कोरोना के भी लगभग यही लक्षण बताए जा रहे हैं। इसलिए अधिकतर देश की आबादी डर व भय में जी रही है, जिसके चलते आज मुड्ढा पांडे में एक व्यक्ति को कोरोना जैसे मामले देश में न बढ़े, इसलिए भारत सरकार को हर सरकारी अस्पताल में कोरोना जांच की व्यवस्था करनी चाहिए। कोरोना के डर से मुंडा पांडे रोडों पर एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। मुंडा पांडे पुलिस ने सभी को जागरूकता करते हुए कहा कि कोई भी अपने घर से बाहर न निकले, क्योंकि कोरोना एक ऐसा मर्ज है कि एक दूसरे को छूने से लग जाता है और सांस लेने में उसको परेशानी हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे हम लोग एक दूसरे से दूर रहकर कोरोना जैसी बीमारी पर काबू कर सकते हैं। इसी बात को लेकर मुंडा पांडे पुलिस ने किसी को भी इकट्ठा नहीं होने दिया और अलाउंसमेंट करते हुए कहा कि सब लोग अपने घर के ही अंदर रहें, जिससे हम लोग कोरोना से बच सकते हैं और अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं। मोदी जी ने अभियान चलाया है, ये तो ये इस पर कैसे महसूस कर रही है पब्लिक? यहाँ की पब्लिक काफ़ी अच्छा महसूस कर रही है, जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है, जनता पूरा सहयोग कर रही है। मोदी जी ने जो अपने विचार रखे हैं उसके बारे में अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, पुलिस प्रशासन मीडिया वगैरह काफ़ी इसमें सहयोग कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए हो रहा है सब। अच्छा, मुंडा पांडे में किसी को कोरोना हुआ है यहाँ पर? किसी कोरोना हुआ था, ये चेतन चौहान जी की भतीजी हैं, आई हुई थी फ्रांस से, इनको हुआ है, इसके बारे में रिपोर्ट वोट चल रही है और काफ़ी सक्रिय हैं डॉक्टर वगैरह। अच्छा, जैसे अभी बंद है सब, इसमें कोई परेशानी किसी को? किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब ब्लॉक है, अंदर हैं, कोई पुलिस प्रशासन का काफ़ी सहयोग चल रहा है और मीडिया वगैरह भी काफ़ी सहयोग कर रही है।